कई बार ऐसा होता है कि स्नैक 2 मिनट में बन जाए या फिर सब्जी 2 मिनट में बन जाए या कोई गेस्ट आया तो झटपट से स्नैक रेडी हो जाए। तो निहाज किचन मिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के जो हमारे टिप्स हैं वो भी काफ़ी यूनिक हैं, तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली टिप है, कई बार होता है कि हमें सब्जी बनाने का ज़्यादा मन नहीं होता लेकिन कुछ तो अच्छी सब्जी बनानी होती है, तो चलिए आज मैं आपको दिखा दूँ बैंगन की बनने वाली ऐसी एक झटपट सी सब्जी। इसमें आप पानी लेके रखिएगा और उसमें नमक डाल दीजिएगा। बैंगन को गोल 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 कट कर लीजिए और एक साइड से रख दीजिए। एक अलग बाउल लेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, इसमें हल्का सा हींग, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आमचूर, जो खटाई बोलते हैं जिसको, आमचूर का पाउडर, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि आज हम झटपट से बनाएंगे। और ये है सौंफ पाउडर, इन सभी को अच्छा सा मिक्स कर लिया और ये हमारा बनने वाला है अचारी तंदूरी बैंगन, और वो भी मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, आपने देखा एक ही बैंगन से काफ़ी सारे पीसेस तैयार हो जाते हैं। एंड कटिंग में कोई भी इतनी बड़ी बात है नहीं, मसाला कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, बस हमने इसके ऊपर मसाला लगा दिया है और इस तरह से फोक से हमने हल्का सा इसको गूथ दिया है। एक पैन लिया, पहले इस पे मसाला बिछा दिया हमने और सीधे सीधे बैंगन रख दिए, बस हल्का सा ढक दिया हमने और मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही ये हो जाते हैं हमारे रेडी तंदूरी बैगन। तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है धनिया और मिर्च को लेकर। यदि आपके घर में भी धनिया मिर्च खाना पसंद होगा तो आपको पता होगा कि कई बार धनिया हमें इतनी बार चॉप करना पड़ता है कि हम परेशान हो जाते हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बताती हूँ कि धनिया भी, आप जो इस तरह का मिर्ची कटर होता है, आजकल ये वाला मिर्ची कटर हर किसी के घर पर ज़रूर अवेलेबल होता है क्योंकि ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसमें 5 ब्लेड होते हैं, इससे धनिया आपका इतनी स्पीड से कट जाएगा और एकदम फाइनली चॉप्ड धनिया, जिसमें आपको अलग से डंडी भी नहीं निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप उन बच्चों के लिए या फिर उन माओं के लिए जिनके बच्चे खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं, रोटी पराठे नहीं खाते हैं, तो उसके लिए एक झटपट सा ऐसा स्नैक जो बच्चे फटाफट से खा लेंगे और बहुत ही हेल्दी भी होगा। इसमें हमने थोड़े से बॉयल्ड आलू लिए हैं और कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मैंने तो वही डाल दिए, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। एंड ये मेरे पास एक लेफ्ट ओवर पराठा रखा हुआ था तो मैंने यही ले लिया है फिलहाल, लेकिन आप ताजी पराठे के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। आजकल ये वाला स्नैक काफ़ी वायरल भी चल रहा है। मैंने एक साइड यहाँ पर लगाया मेयोनीज, दूसरी साइड अभी जो हमने स्टफिंग बनाई थी नमक मिर्च डालकर सभी वेजिटेबल्स के साथ, एक साइड हम लोग टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च रख रहे हैं और इसके एक साइड हम रखेंगे चीज़ का 1 क्यूब। तो ये देखने में ही काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और बच्चों का तो मन इसे देखते ही खाने का करने लगेगा। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा रेडी, बस अब इसको क्रिस्पी करना है। तो हमने पैन लिया, मक्खन डाला थोड़ा सा और इसको एक साइड से, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया और एक साइड से हल्का सा क्रिस्पी किया मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया, इतना आप क्रिस्पी कर लें कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये प्रॉपर गर्म हो जाए। देखिए लग रहा है ना एकदम कितना बढ़िया सा स्नैक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अक्सर होता है जब भी दाल चावल हम लोग भिगोते हैं तो इसका जो पानी है या फिर धोते हैं इसको लगभग 2-3 मिनट के लिए तो छोड़ते ही हैं, तो वो सब हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दाल चावल के पानी में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं क्योंकि दाल चावल में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस पानी को फेंकने की जगह आप इन्हें अपने घर के पेड़ पौधों में दें क्योंकि ये एक तरह का इंस्टेंट फर्टिलाइजर है और पेड़ पौधों की ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है। चलिए फिर से चलते हैं एक झटपट से क्विक स्नैक की तरफ जो बहुत ही अमेजिंग है और खाने में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है, लगभग आधा कप पानी,
और इसी में हमने नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। चिली फ्लेक्स आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हमने यहाँ पर मिर्च डाल ही दी है, उसी के साथ हम यहाँ सॉरी हमने यहाँ पर यूज़ किया है ऑरिगेनो। इस पानी में लगभग बॉईल आ गया है, तो इसमें आप प्रॉपर बॉईल ले लें, थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, मुझे लगा थोड़ा पानी कम है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा इसमें ऐड कर दिया है। बस अब हम इसको हल्का सा इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें गुठली ना पड़े, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये थिक होने लगेगा, और ये जब थोड़ा सा थिक होने लगे, उठने लगे, तब हमारे पास है ये बॉयल्ड आलू, इनको हम बहुत अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारे के सारे बॉयल्ड आलू हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और अभी ये हल्का सा पतला लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इसको चलाऊंगी अभी, और उसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, एंड अब ये जो हमारा स्नैक रेडी होगा, इसे आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, एंड जब भी आपके यहाँ गेस्ट आएँ आप इसको फटाफट से निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है, इसे मैं प्लेट पर लूँगी, हल्का ठंडा कर लिया था, हाथ से थपथपा कर आप इसको प्रेस करके एक साइड सेट कर लें। अभी हम इसमें कट्स भी साथ ही साथ लगा देंगे, क्योंकि बाद में इसमें कट लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये अपने आप को प्रॉपरली सेट कर लेगा। तो आपको यदि क्यूब्स में कट लगाने हैं, आप क्यूब्स में कट लगा सकते हैं, आप गोल रिंग बनाना चाहते हैं गोल रिंग बना सकते हैं, जैसा भी आपको शेप चाहिए आप वैसा इसमें कट लगा सकते हैं। देखिए जो छोटे वाले क्यूब्स आते हैं मार्केट में, या फिर नगेट्स आते हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनका भी इसमें इस तरह से हाथों की हेल्प से इसका डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये देखिए कुछ इस तरह से बस। और इसे आप फ्रीज़र में आप इसको स्टोर कर लीजिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, और जब भी आपको इसको बनाना है आप इसको गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लीजिए। ये हमारे एकदम क्रिस्पी से स्नैक्स, और या फिर आप बाइट्स बोल सकते हैं, रेडी हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए निहास किचन।